नमस्कार, मैं हूं सोनिका और आप देख रहे हो तत्काल न्यूज लाइव। नागपुर में उड़ान पुल कार्य निरंतर शुरू है। इसी के चलते कल शाम सदर अंजुमन कॉलेज में लिबर्टी उड़ान पुल के सौंदर्यीकरण के लोकार्पण का कार्यक्रम केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के हस्ते किया गया। उस समय कैबिनेट मंत्री सुनील बाबू केदार, महापौर दयाशंकर तिवारी, आमदार नागो गांवकर, भाजपा के शहर अध्यक्ष प्रवीण दड़के, आमदार कृष्णा फोड़के, मिलिंद माने उपस्थित थे। उड़ान पुल के निर्मित के लिए और सौंदर्यीकरण के कार्य के लिए कलाकारों को नितिन गडकरी के हस्ते कल सम्मानित किया गया। उड़ान पुलों पर ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और जैव विज्ञान के चित्र बनाई गई है, इसलिए आने वाली नव युवक पीढ़ी के लिए यह पुल प्रेरणादायी साबित होगा, ऐसा नितिन गडकरी ने कहा है। खेलों के बारे में पूरा बताऊंगा। उस समय सब खेल के दुनिया में, और जो ब्रिज क्रॉस होता है उसके अंदर अलग अलग प्रकार के लाइट लगाए हैं, और जिसके कारण ये एक अध्ययन करने लायक ब्रिज है, और इस ब्रिज को निश्चित रूप से हमारे भविष्य के आने वाले पीढ़ी को एक प्रेरणा देने वाला ये ब्रिज होगा। बच्चे इसको देखने के लिए आएंगे, और आज ही मैंने देशपांडे इसको ये किया है, निवेदन किया है कि इसकी कॉमेंट्री भी लिखो इंग्लिश और हिंदी में, क्योंकि सभी लोग इतने नहीं है कि आपके मन में क्या सोचा आपने, वो विचार सबको कैसे पता होगा, तो जगह जगह पर उसको ठीक प्रकार से लिखना है। विश्वनाथ आनंद शायद 1993 में विश्व विजेता बने थे, और जो बुद्धिबल का डाव था जिसमें एक इसमें उन्होंने विश्व कप जीता था, वो देश का इतिहास है, पूरे विश्व में उनको इसके लिए माना जाता है। वो जो बुद्धिबल का जो सिक्वेंस था उसका चित्रण पूरा तरह वहाँ किया हुआ है। इसके साथ हमारे बायोडाइवर्सिटी, हमारे बर्ड्स, फिश, वाइल्ड लाइफ, इन सब के बारे में हमने ये इसमें नीचे में किया है।